Guys, welcome back to my channel and this is Aastha and I hope that you guys are doing great today. Okay, so आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेशियल ऑयल के बारे में. नो वर्स्ट फेशियल ऑयल के बारे में जिसकी प्राइस तो ऑलमोस्ट 1500 के लगभग है बट काम इसका 150 रुपये वाला भी नहीं है. आज हम इसी फेशियल ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं. दैट इज़ फ्रॉम द ब्यूटी को. इट्स रोज गोल्ड ऑयल. मैंने इसको लिया था कुछ दिन पहले. दो तीन बार इसको यूज़ भी किया है एंड उसके बाद मैं अपनी चीज़ें आपके साथ बताने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ व्हाट अबाउट द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक. एंड अगर हम इनर पैकेजिंग की बात करें तो ये इस तरह की बॉटल में आता है विच इज़ नाइस. मतलब पैकेजिंग तो इसकी अच्छी है. अप्लाई करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. जो इसका पंप है वो काफ़ी सही है. बट अगर हम इसकी बात करें हैं एप्लीकेशन की और प्राइस की तो प्राइस इसकी है अराउंड 1250 रुपीज़. अमेजोन पे भी लगभग आपको इतने ही मिलेगी. कुछ खास डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा. और कंसिस्टेंसी की बात करें तो ये थोड़ा लिक्विडी है. ओके, अब मैं ये बताती हूँ कि ये एक्चुअली आपकी स्किन पे क्या करेगा. जब आप इसको अप्लाई करोगे अपना मेकअप अप्लाई करने से पहले तो ये आपकी स्किन को सबसे पहले तो डल बना देगा जो कि एक अच्छे फेशियल ऑयल के सिम्टम्स या फिर एक अच्छी फेशियल ऑयल की चीज़ें नहीं हैं. दूसरी चीज़ ये कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी नेचर का है. मतलब कि मेकअप या फिर हम कह सकते हैं फेशियल ऑयल को आपके फेस पे ईजिली ब्लेंड हो जाना चाहिए और एक शाइनी लाइक टेक्सचर छोड़ना चाहिए. बट इस फेशियल ऑयल में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है. कहने को तो इसमें ये थोड़े थोड़े स्पार्कल्स या फिर मैं कह सकती हूँ जो आपके फेस पे शाइनी वाली चीज़ें ला सकते हैं वो है. बट अप्लाई करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ. और ऊपर से मेकअप ब्लेंड करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि ये स्टिकी नेचर का है. ओके, अगर हम बात करें इसके एक्चुअल टेक्सचर की तो आप देख सकते हो ये इस तरह का लाइक ऑयल वाला चीज़ें हैं. ब्लेंड में आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ एंड यू कैन सी की चिपचिप ऑयल और डल. मतलब सारी चीज़ें हैं ये नॉर्मल ऑयल की चीज़ें होती हैं. नॉर्मल ऑयल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि फेशियल ऑयल में नहीं होनी चाहिए. क्लेम तो है कि नो सल्फेट्स एंड पैराबेंस जो कि हाँ सही है. बाकी स्किन को कोई डैमेज तो नहीं करता है. बट अगर हम फेशियल ऑयल लगा रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी तो मिलनी चाहिए. और प्राइस पॉइंट इट इज़ ऑफ 1250 रुपीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वैसी वाली इसमें कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है. ओके, अगर हम बात करें इसको अप्लाई करने की तो आप देख सकते हो मैंने इसका दो ही ड्रॉप अप्लाई किया था के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा स्टिकी और काफ़ी ज़्यादा ऑयली लगने लगा है. मतलब मेकअप अप्लाई करने के पहले अगर हमारा फेस ऑयली लग रहा है तो नहीं. मतलब फेशियल वाले हम लगाते हैं क्योंकि हम हमारी स्किन को सबसे पहली चीज़ की रिपेयर करना चाहते हैं और दूसरी चीज़ ये कि हमारा मेकअप थोड़ा अच्छा हो. बट नहीं, अगर आप अच्छा मेकअप चाहते हैं या फिर एक अच्छे फेशियल ऑयल की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको ये फेशियल ऑयल बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी. आई एम गोइंग टू ट्राई सम मोर फेशियल ऑयल्स एंड उसके बाद आई विल डेफिनेटली शेयर माई रिजल्ट या मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपको कौन सा फेशियल ऑयल यूज़ करना चाहिए. डोंट गो फॉर दिस. प्राइस पॉइंट भी एक्सपेंसिव है और बिल्कुल भी काम का नहीं है. बिल्कुल भी. और दूसरी चीज़ ये कि आप इसकी बॉटल जो देख रहे हो अभी गोल्डन कलर की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बॉटल को अभी 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दूंगी या रख दूंगी, ये ऊपर वाली चीज़ें पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और ये सारा जो इसके ग्रैन्यूल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे. मतलब कि इट प्रूव्स कि वो थोड़ी हैवी हैं क्योंकि अगर वो नॉर्मल रहते तो इस चीज़ों में ब्लेंड रहते बट नहीं. और जब आप इसको शेक करोगे तभी सारी चीज़ें बैठेंगी एंड आफ्टर दैट वही हो जाएगा. तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं. डोंट एवर ट्राई दिस. बेकार है पैसा पानी में जाना. और बहुत ज़्यादा गर्मी वाली चीज़ें भी होगी. मतलब कि इस फेशियल ऑयल को लगाने के बाद आपके फेस पे स्वेटिंग भी आने लगेगी जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा या एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं एक फेशियल ऑयल की. ओके, सो डोंट एवर ट्राई दिस. मैं कुछ रिसर्च या कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही हूँ. कुछ फेशियल ऑयल मैंने और भी मंगाए हैं. आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एंड उसके बाद मैं आपका ना रिजल्ट आपके साथ जरूर शेयर करूँगी. ओके, सो यस गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडे. वन थिंग मोर, आई एम गोइंग टू अनाउंस द अनदर गिव अवे ऑन माई चैनल और उसके लिए आई वॉन्ट 2K सब्सक्राइबर. लाइक जब मैं हिट कर दूँगी 2K सब्सक्राइबर्स आई एम गोइंग टू अनाउंस रियली ह्यूज गिव अवे ऑन माई चैनल. सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू. Bye-bye.